तो व्हाट्स अप पीपल्स, दिस इज स्पाइडी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 पबजी मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपको इरेंगल मैप में काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ, आप देख रहे हैं स्पाइडी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों हमारी जो पहली ट्रिक है वो काम कर रही है पोचिंग की पर। आपको ये जो सामने वाला ट्रिपल स्टोरी हाउस दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके सबसे ऊपर चढ़ के यानी टेरिस पर चढ़ के आप यहाँ से बहुत ही हाई एडवांटेज ले सकते हो। आपको यहाँ पर आना है और थोड़ा सा पीछे की ओर आकर यहाँ पर स्प्रिंट प्लस लेज ग्रैब फीचर का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर हो जाना है प्रोन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप क्राउच भी हो सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हाई रिच एडवांटेज मिलता है और आप बहुत ही आसानी से नीचे कोई भी एनिमीज अगर भाग रहा हो तो आप उसको नॉक डाउन कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक लगती है यार ये मुझे। देखिए जैसे मैंने इस ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। दोस्तों हमारी दूसरे नंबर की जो ट्रिक है वो काम कर रही है प्रिजन पर। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसके अंदर आ जाना है। अंदर आने के बाद आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको सिंपली इनके ऊपर चढ़ जाना है और चढ़ने के बाद आपको सीधा जो आपके सामने ये जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रही है, आपको यहाँ पे लेज ग्रैब फीचर का इस्तेमाल करना है। और फीचर का जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे आप सीधा इसके ऊपर चढ़ जाओगे। तो दोस्तों अगर आपके पीछे कोई स्क्वाड लगी है आप पर पुश करने वाली है तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके पूरी की पूरी स्क्वाड जो है उनको वाइप कर सकते हो। तो दोस्तों इस ट्रिक का आप ज़रूर इस्तेमाल करना। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एनिमी को मार गिराया और उसको पता भी नहीं चला कि ये फायर आया तो आया कहाँ से। अब इस एनिमी को भी देखना दोस्तों, ये भी एनिमी कंफ्यूज है कि कहाँ एनिमी है और मैंने उसको ऊपर से ही फिनिश कर दिया। दोस्तों बढ़ते हैं अब अपनी हम थर्ड नंबर ट्रिक की ओर। थर्ड नंबर ट्रिक भी हमारी यहीं पर ही काम कर रही है पोचिंकी के ट्रिपल स्टोरी हाउस पर। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्राउच करके बैठ जाना है। दोस्तों अगर आप चाहो तो आप यहाँ से FPP भी स्विच कर सकते हो, लेकिन मैंने FPP स्विच नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से मैं एनिमी के पीछे पीछे जा रहा हूँ और एनिमी को पता भी नहीं कि मेरा एनिमी मेरे ही पीछे है। और बहुत ही आसानी से मैंने उसका नॉकडाउन कर दिया। और दोस्तों दूसरा नंबर पे जो इसका टीममेट आता है इसको भी मैंने बहुत ही आसानी से नॉकडाउन कर दिया। दोस्तों ट्रिक नंबर 4 हमारी काम कर रही है यहाँ पर जॉर्जो पोल वाले एरिया में। दोस्तों यहाँ पर एक बेसिकली ग्लिच वर्क कर रहा है जो कि बहुत ही फनी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पर चढ़ जाना है। इसके ऊपर चढ़ने के बाद आप अगर चाहो तो अपने एनिमी को यहाँ से फिनिश भी कर सकते हो। और चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो ग्लिच कहाँ पर वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पर चढ़ने के बाद जब आप यहाँ पर आओगे तब देखना आप कैसे ही अपने आप ही स्लाइड होना शुरू हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो आप अपने एनिमीज को भी यहाँ से आप नॉकडाउन कर सकते हो, ये देखिए जैसे मैंने किया। दोस्तों फिफ्थ नंबर ट्रिक है, आप इन अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट तक कहाँ पर जाओगे, ये जो जगह है ये यासनाई में है। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपको स्प्रिंट लॉक करके अपनी स्क्रीन को घुमाकर अपने लेज ग्रैब फीचर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ट्रिक नंबर 6 जो है ये काम कर रही है नोवो के ट्रक के पास। दोस्तों आप बहुत ही आराम से यहाँ पर छिप सकते हो, बहुत ही अच्छा हाइडिंग स्पॉट है। आपको यहाँ पर आना है, आपको सिंपली यहाँ पर प्रोन हो जाना है और जब कोई एनिमी आए तब आपको उसके पीछे से फायरिंग शुरू कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर आप जब अपने एनिमी को मारोगे आपके एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि फायर आया तो आया कहाँ से। तो दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पर बोट फायर कर भी अपने एनिमीज को बुला सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से इस ट्रिक को यूज़ करना, मैंने भी बहुत किया है। इस ट्रिक से मैंने एक बार पूरी की पूरी स्क्वाड भी निपटा दी थी। तो चलिए अब आगे वाली वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक एनिमी आएगा और मैं उसको अपनी इस ट्रिक की मदद से मारूँगा।
दोस्तों ट्रिक नंबर 7 भी यासनाए में ही काम कर रही है। आपको ऐसी एक दीवार मिल जाएगी, आपको यहाँ पर स्प्रिंट लॉक करके तेज़ी से भागकर आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे लेज ग्रैब फीचर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपका एनिमीज इस अपार्टमेंट के अंदर होगा तो आप यहाँ से चढ़कर अपने एनिमीज को यहाँ से बहुत ही आसानी से नॉकडाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक का ट्रिक नंबर 8 जो है ये भी यासनाए में ही काम कर रही है। आपको बस करना क्या है कि आपको मैं बताता हूँ कि आपको इस वाले हाउस के ऊपर कैसे चढ़ना है। दोस्तों आपको अपना जो दरवाज़ा है उसको ओपन कर लेना है और अंदर जाकर फिर से इसको क्लोज और ओपन कर देना है। तो दोस्तों आपको इस दरवाजे के सामने खड़े हो जाना है। आपको यहाँ से जंप लगाकर लेज ग्रैब फीचर का इस्तेमाल करके आप इस दरवाजे के ऊपर चढ़कर और इस टेरिस के ऊपर आप मज़े से आ सकते हो। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी चढ़ सकते हो, ये जो नीचे दरवाज़ा आपको मिलेगा आप यहाँ से छलांग लगाकर आप यहाँ पर जब चढ़ जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू मिलेगा। और आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलने के कारण ही आप हर एक एनिमी को बहुत ही आसानी से नॉकडाउन कर सकते हो। दोस्तों देखिए आपको कितना अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पर। दोस्तों ट्रिक नंबर 9 काम कर रही है हमारे पोचिंकी के इस वाले हाउस के पास। ये जो स्क्वाड हाउस है आप सब जानते ही हो, इस गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद आप कैसे ही डायरेक्ट इस स्क्वाड हाउस के टेरिस पर आप कैसे चढ़ सकते हो। चलिए टेरिस सॉरी बालकनी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जब ऐसे चढ़ जाओगे, चढ़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से उठकर स्प्रिंट लॉक करके आपको अपने लेज ग्रैब फीचर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक के लिए एक लाइक बटन जरूर दबा देना यार। दोस्तों ट्रिक नंबर 10 जो है ये जीरो लैंडिंग नॉइस से रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपका एनिमीज इस हाउस पर आप पर रश करने आ रहा है, तब आप क्या करोगे, आपको यहाँ से सीधा ऊपर की ओर भागना है। और जब आप ऊपर भागोगे तो आपको इसके पास आना है। आपको यहाँ से आते ही आप छत से छलांग लगा के जैसे ही आप नीचे लैंड करने वाले होंगे आपको पंच का बटन दबा देना है। दोस्तों इससे होगा क्या, जब आप कहीं से जंप करते हो और जंप करने की जो साउंड होती है वो आपके एनिमीज को नहीं आएगी, और आप उसको पीछे से भी उस पर पुश कर सकते हो और उस एनिमी को किल कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना यार, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।